गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ENG SEC 301 में कुछ एक सेक्शन हमने कर लिया है विच डील्स विद टेंसेस, जो कि आपके ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, टेंसेस से रिलेटेड है एंड वॉइस नरेशन। टुडे वी विल स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ऑल ऑफ अस आर वेल फैमिलियर विद देम, लेकिन स्टिल हम लोग एक रिविजन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद यूनिट 1 विच डील्स विद लैंग्वेज स्किल्स। उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या हैं? वी नो वेल दैट इंग्लिश हैज़ 24 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद देम, फाइन। एंड देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनको स्लोली स्टेडली अलग अलग डिविजन दे के हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वील डिस्कस नाउन। वॉट इज़ अ नाउन, जिसको आप संज्ञा भी बोलते हो। इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ह्यूमन बींग, एनिमल, सब्जेक्ट, प्लेस, आइडिया, कंसेप्ट, एवरीथिंग इट कैन बी नेम्ड एज नाउन। जैसे पर्सन में लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, योर नेम, माई नेम, नेम्स ऑफ अदर थिंग्स लाइक अ बॉय, अ पिजन इज देयर, अ बर्ड इज देयर, अ स्पैरो इज देयर, एनिमल इज देयर, देन प्लेस, एनी प्लेस यू कैन रेफर टू, राइट फ्रॉम ज्वालाजी, राइट फ्रॉम कांगड़ा, शिमला, हिमाचल प्रदेश, देन इंडिया, एनी वेयर। एंड इफ़ यू टॉक ऑफ ऑब्जेक्ट, देन एनी ऑब्जेक्ट, इट इज़, इट कैन बी अ क्विल्ट, इट कैन बी अ ब्लैंकेट, इट कैन बी अ पिलो, इट कैन बी टेलीविजन, इट कैन बी अ पेन। इफ़ यू टॉक अबाउट आइडिया, आइडिया कांट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट ओनली लाइक ब्यूटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी, डिसेंसी, मैनर्स, एटिकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। कंसेप्ट इज ऑफ डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ऑल दीज आर कंसेप्ट आर इंक्लूडेड। इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हेयर। सो इफ यू टॉक ऑफ नंबर्स, देन नंबर्स क्या होते हैं, विच यू कॉल यू वॉट इज सिंगुलर एंड वॉट इज़ अ प्लूरल, जो एक वचन, बहुवचन आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, सेम इज रेफर टू एज नंबर। अगर सिंगुलर है लाइक बॉय, बॉयज, चोच, चोचेज, नाइफ, नाइव्स, तो इसमें आपने चेंज करते बार थोड़ा सा पर्टिकुलर होके करना है। जैसे ई एस लगा है चोचेज में, नाइफ का नाइव्स बना है, वी ई एस में चेंज होगा एफ, फुट का फीट में चेंज होगा, टूथ का टीथ जाएगा, मैन का मैन, वुमन का वुमेन, इन दिस वे ये चेंज होंगी। उसी तरह से कुछ एक नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम चलती है, जैसे फिश है, ट्राउट है, हेयर है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जहाँ पे व्हाट डू वी डू सिंगुलर फॉर्म विच कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, लाइक टीम, टीम कंसिस्ट्स ऑफ यू नो सपोज 10 पीपल और 12 पीपल, कैबिनेट, फैमिली, इनको बोथ वेज वी कैन यूज़। देन लाइक अगर प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, टीम्स, फैमिलीज, कमिटीज, एंड इस तरह से आप यूज़ करोगे। सर्टेन नाउन्स हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगे, जैसे पीपल, पीपल, मैनी पीपल वर स्टैंडिंग देयर, द पुलिस गॉट द थीफ, आर्म्स एस लगेगा ही लगेगा, क्लोथ्स के साथ एस लगेगा ही लगेगा, गुड्स, फाइन, यू नो इट वेल कि एस लगेगा ही लगेगा। ये आर्म्स कौन सा है, बाजू वाला नहीं है, ये वेपन्स वाला है, फाइन। सम नाउन्स विच रेफर टू द आर्टिकल विद टू इक्वल पार्ट्स, लाइक आपका ट्राउजर्स है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स है, पेयर ऑफ पैंट्स है, पेयर ऑफ सीजर्स है, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है, उस तरह से आप उसको यूज़ करोगे। सम नाउन्स आर प्लूरल इन नंबर बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, जैसे न्यूज़ है ना, एस लगेगा ही लगेगा, मॉम्स में एस लगेगा ही लगेगा, बिलियर्ड्स में लगेगा ही लगेगा। आपका जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उनमें एस एग्जिस्ट करता है, यू कॉन्ट जस्ट डिलीट इट, इसको आप अलग नहीं कर सकते। इफ़ यू टॉक ऑफ जेंडर, यू नो वेल दो चीज़ें आपको पता है, वन इज़ मैस्कुलिन दैट डील्स विद मेल, फेमिनिन डील्स विद फीमेल, लाइक बॉय का गर्ल है, मैन का वुमन है, बुल का काओ है, एंड डॉग का विच और बिच होगा, BITCH होगा या शी डॉग होगा, फाइन। ड्यूअल वेयर वी आर रेफरिंग टू मेल एंड फीमेल, लाइक चाइल्ड, पेरेंट, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेशन को रेफर करोगे। न्यूटर जो है जहाँ पे हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते, व्हाट इज़ इट, लाइक चेयर है, पेन है, डोर है, बेड है, टेम्पल है, तो ये आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। शिप्स एंड कंट्रीज जिनको हम बाय नेम रेफर करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज फेमिनिन, जैसे इंडिया, टिटैनिक, तो ये सारे आपके फेमिनिन में आएंगे, फाइन। अब टाइप्स ऑफ नाउन है, कितने टाइप के हैं, वन इज़ कॉमन नाउन, जो कॉमन मैनी ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू द सेम क्लास, जैसे मैन है, बुक है, शॉप है, कार है,
हाउस है, ठीक है, उस तरह से इफ़ वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन, ये पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस को रेफर करता है. जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन, आप अपना नाम ले लो, आप मेरा नाम ले लो, आप किसी और का नाम ले लो, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लो, एक पर्टिकुलर स्टेट का रख लो, या यू कैन नेम एनी कंट्री. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे बेस्ड है, इट कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे कोई आइडिया है, करेज है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, जॉय है, सोरो है, हैप्पीनेस है, कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे हम कलेक्टिव मींस वी आर रेफरिंग टू अ ग्रुप, लाइक फैमिली इज देयर, टीम इज देयर, क्लास इज देयर, फ्लीट ऑफ शिप इज देयर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज देयर, देन फ्लॉक ऑफ शीप इज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज देयर. इस तरह से आप इसको जो है वो बंच ऑफ कीज इज देयर, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. फाइन. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ अ कंक्रीट नाउन, इट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग, जिसमें फिजिकल फॉर्म है वो दिखती है. तो आपकी जो कंक्रीट नाउन है वो टेबल है, पेन है, बेड है, पिलो है, क्विल्ट है, ये सारी जो है कंक्रीट नाउन में आपकी आ जाएंगी, विच कैन बी, जिनके फिजिकली वो एग्जिस्ट करती हैं. एंड कॉमन नाउन्स को आप फर्स्ट वाला जो है उसको सब डिवाइड कर रहे हैं हम, काउंटेबल, विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. जैसे 10 बॉयज आर देयर, 2 रूम्स आर देयर, 1 बॉटल इज देयर, अ ड्रम इज देयर. अनकाउंटेबल विच कांट बी काउंटेड, लाइक रेन ड्रॉप्स आर देयर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर देयर एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर देयर. उस तरह से ड्यूअल नाउन्स हैं जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में चली जाती हैं. जैसे ही बॉट 2 केक्स और आई एट अ लिल केक एंड आई फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. ये प्रॉब्लम्स वैसे तो अनकाउंटेबल में है, लेकिन यहाँ काउंटेबल में हम इसको काउंट कर रहे हैं. वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज फाइंडिंग हिज हाउस. तो यू कैन यूज़ इन दिस वे ऑल्सो. इफ़ वी टॉक ऑफ फंक्शंस ऑफ अ नाउन, किस किस तरह से हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं. देखो, आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, 1-1 मार्क का ये क्वेश्चन रहता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर. ये पूरे का पूरा ग्रामर की डिटेल है 301 में. सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अगर हम बात करें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, या फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है. लाइक अगर हमने किया है, देखो एक सेंटेंस यहाँ पे है हमारा, रामू लाइक्स हिंदी मूवीज़. फाइन, रामू इज़ अ सब्जेक्ट एंड लाइक्स इज़ अ वर्ब, हिंदी मूवीज़ ऑब्जेक्ट में आएगा. उसी तरह से जो दूसरा है, द चिल्ड्रन वर डांसिंग, द एक आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है. चिल्ड्रन इसको पूरे का पूरा हम सब्जेक्ट में काउंट करेंगे, वो इज़ अ हेल्पिंग वर्ब एंड डांसिंग इज़ अ वर्ब. सो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये जो है सब्जेक्ट का काम करेगा. अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब करें तो क्या होगा, आई हेल्प्ड अ बॉय, तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब सब्जेक्ट आई है, हेल्प्ड वर्ब है और बॉय इज अ एन ऑब्जेक्ट. उसी तरह से ही वॉज ईटिंग पेस्ट्री इज अगेन एन ऑब्जेक्ट, और ही जो है ये प्रोनाउन है, आई और ही प्रोनाउन है. लेकिन अगर रवि हेल्प्ड अ बॉय होता तो ये बोथ जो है वो नाउन्स होंगे, अगर दोनों में नाम आएगा. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, मैंगो इज अ फ्रूट और शमी इज़ एन एक्टर. देखो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा. शमी एक बच्चे का नाम है, इधर कैन बी अ गर्ल और बॉय. सो व्हाट विल यू डू, इट इज़ लाइक, इट इज़ अ नाउन, इट इज़ आल्सो अ नाउन, दोनों एक नाउन है. जैसे राजीव इज़ अ टीचर, अगर यहाँ पे होता तो राजीव भी तो नाउन है ना, और टीचर एक नाउन है, डूअर है, तो आपका उस तरह से रहेगा. अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें, आई कॉल्ड या सीता कॉल्ड हर अ लायर, सीता इज़ अ सब्जेक्ट. यहाँ पे देखो प्रोनाउन का यूज़ किया है, लेकिन हम अगर नाउन का यूज़ करेंगे, सीता कॉल्ड हर अ लायर, लायर होता है झूठ बोलने वाला, तो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया है. उसी तरह से दी डिक्लेयर्ड हिम अ डेजर्टर हु लीव्स, सेम इज़ द केस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, शी बीट हिम विद अ स्टिक, प्रपोजिशन लगी है तो किस तरह से, शी
मीन्स अगर यहाँ पे सपोज आप नाउन उठाते हो जैसे राजीव बीट हिम विद अ स्टिक, तो हिम क्या है आपका प्रोनाउन है, नेक्स्ट यूनिट में बता लेगा आपको. स्टिक इज अ नाउन लेकिन इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ प्रेपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन हो गया. इन अपोजिशन टू अ नाउन जैसे सोम कॉमा अ स्टूडेंट नाउन है लिव्स नियर माई हाउस, यानी कि सोम हु इज अ स्टूडेंट लिव्स नियर माई हाउस, हिज फादर ये प्रोनाउन है हिज, फाइन हिज, या यहाँ पे हम सोम्स फादर करेंगे अगर तो नाउन में आएगा. अ पोइट जो कि एक पोइट है नाउन है, इज अ फेमस मैन. सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो नेक्स्ट वील डू गो थ्रू प्रोनाउन. नाउन का हमने पूरा ईच एंड एवरीथिंग वी हैव मेड क्लियर. प्रोनाउन अ वर्ड जो आप सर्वनाम बोलते हो, इट इज़ यूज्ड इन टू रिप्लेस अ नाउन. संज्ञा में आप नाम लिख रहे हो, सपोज आई एम राइटिंग माई नाउन नेम एक्स एक्स एक्स, मुझे रिप्लेस करना है माई नेम इज एक्स, तो मैं आई लगाऊंगी. आई लीव माई बेड, आई वर्क हार्ड, आई प्रिपेयर माई लेक्चर्स, आई डिलीवर माई लेक्चर, वहाँ पे आई के साथ चलेगा. यहाँ पे सोम का इन्होंने किया है, सोम इज़ माई फ्रेंड, तो इसको चेंज किया है ही इज़ माई फ्रेंड, मीन्स अ मेल इज़ माई फ्रेंड, जिसको ही से रिप्लेस किया है. The children were playing, they were playing. तो इस तरह से noun को हम pronoun से replace करते हैं. अब इसकी further types हैं. Personal pronouns क्या हैं? Which are used to replace a noun already mentioned. जो आपके noun को replace करता है. जैसे मैं आपको पहले example quote कर रही थी. Raju likes Rani, but Raju cannot marry Rani. अब what do we need to do? कि फर्स्ट पार्ट में वी हैव मेंशन टू नेम्स, लेकिन सेकंड पार्ट में ऑफ द सेंटेंस जहां हम कनेक्टर बट का यूज़ कर रहे हैं उसके बाद व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करना है. सो राजू लाइक्स रानी बट ही कैन नॉट मैरी हर. यहां पे ही इज़ यूज्ड फॉर राजू एंड शी हर इज़ रेफर टू रानी. सेम इज़ द केस विद नेक्स्ट सेंटेंस वेर काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल बिकॉज काउ गिव्स अस मिल्क. बिकॉज अब देखो इट इज़ यूज टू रेफर टू काउ. इट जो है वो काउ के लिए है. आई लाइक कॉफ़ी बट आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक हॉट कॉफ़ी. सो इफ़ आई हैव टू रिप्लेस कॉफ़ी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करके मुझे कॉफ़ी को डिलीट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पर्सन. किस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं, थ्री पर्सन होते हैं यू नो वेल, फर्स्ट पर्सन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. हिंदी में आप इसको सर्वनाम बोलते हो. फर्स्ट पर्सन कंसिस्ट ऑफ आई एंड वी, मतलब मैं और हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड इज यू एंड थर्ड पर्सन वी रेफर टू ही शी दे एंड इट, फाइन. अब उसके केस को हम रेफर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन एंड फंक्शन परफॉर्म बाय अ प्रोनाउन. तो हम थ्री केसेस में इसको स्टडी करते हैं. वन इज सब्जेक्टिव, जहाँ प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा. सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. कई जगह एक्यूजेटिव केस होगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा लास्ट पार्ट, और कई जगह ये पोजेसिव रहेगा. सो इसमें क्या रहेगा, व्हेन अ प्रोनाउन इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप और पोजिशन को जो है वो इंडिकेट करता है. ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव विल डू इन द नेक्स्ट स्लाइड, फाइन. इफ आई इज अ सब्जेक्ट लाइक आई एम, आई डू माई वर्क, फाइन, देन सब्जेक्टिव आ जाएगा. देन आपका आएगा सेकेंड पार्ट में दिस वर्क इज़ डन बाई मी, नॉर्मली वॉइस का आएगा. ठीक है ना, ही इज़ माई फ्रेंड, दिस वर्क इज़ माइन. इन दिस वे वी कैन डू विद द सेम विद वी. वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाई अस. Ours is a very happy family and our parents don't live with us. If you go to second person pronoun, you are my friend, your parents like me, the stage is yours now. Apostrophe नहीं लगा है इसमें, without apostrophe है, fine. If you move towards third person pronouns, then he plays cricket, cricket is played by him, his parents like him and this is this chair, this is his chair, fine. She is a girl, her parents like her and this is her copy and
दिस थिंग बिलोंग्स टू हर्स. इट के केस में भी इसी तरह से होगा और दे के केस में दे आर आर फ्रेंड्स वी लाइक देम एंड दिस इज देयर प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑल इज देयर्स. सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस थिंग्स. एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, द टीचर पनिश्ड अ बॉय, शी ऑल्सो स्लैप्ड हिम. अगर इसको कनेक्ट करना है सेंटेंस को, ये कनेक्टेड ही है, तो इसमें क्या है, द टीचर पनिश्ड अ बॉय विदाउट जेंडर वी कम टू नो दैट अ टीचर इज देयर इधर ही और शी एंड अ बॉय इज पनिश्ड. ठीक है, सॉरी वॉज पनिश्ड, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है. शी ऑल्सो स्लैप्ड हिम, लेकिन यहाँ जेंडर हो गया स्पेसिफाई. ही भी कर सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन योर नेसेसिटी. माई सिस्टर इज बॉट अ न्यू कार येस्टरडे, आई वेंट टू हर हाउस. हुज हाउस, सिस्टर्स हाउस. तो जैसे वो रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है. दिस इज माई बुक, बोथ इज माइन भी हो सकता है, दिस बुक इज माइन. सो अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करें, जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स का यूज होता है, दे आर यूज एज ऑब्जेक्ट्स व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू सेम पर्सन. ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ. यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. फाइन, इन दिस वे वी कैन यूज थिंग्स लाइक themselves आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फिट. A dog never bites itself. इस तरह से हम कर सकते हैं. Emphatic, when we talk of emphasizing pronouns, they are used in addition to subject for emphasis, दबाव डालने के लिए, pressure डालने के लिए. They have same form as reflexive. Reflexive क्या थी, as माई सेल्फ, सेल्फ का यूज हो रहा था, सेल्फ का यूज हो रहा था. द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, और शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू. वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर फ्यूचर. फाइन, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें, डब्ल्यू एच वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें हु, होम और हुज जो है पर्सन के लिए यूज़ होता है, दैट जो है वो पर्सन और थिंग्स बोथ वेज यूज होता है. लेकिन विच और वॉट थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे वॉट आर यू डूइंग क्वेश्चन वाला है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे एफर्मेटिव में, रामू इज़ द बॉय हु वन द प्राइज. ठीक है ना, दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, दिस इज द कार दैट आई परचेज लास्ट ईयर, शी लॉस्ट हर वॉच विच शी हैड रिसीव्ड एज both the gift, and he is the same fellow who was knocking at the door. Fine, ये relative pronouns में आ गया. Interrogative में आपका यही रहेगा, who, whom, लेकिन structure होता है change. I have discussed tenses वाले section में, I have discussed each and everything in detail with you. Who's your principal? कौन है, ठीक है ना. दिस इज़ द वन हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, ये वो इंसान है जो डोर नॉक कर रहा था रिलेटिव में. लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव में, हु इज़ योर प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कौन है. देन विच ऑफ दीज नॉवल्स विल यू रीड फर्स्ट, कौन से नॉवल्स यू विल रीड फर्स्ट, वॉट आर देयर डिमांड्स. ठीक है, तो यू विल गो थ्रू डब्ल्यू एच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Indefinite pronouns, जहाँ वन, जहाँ पे फिर things are not specific, ठीक है, वन, एवरी वन, एवरी डे, एवरी बडी, सम डे, सम वन, सम बडी, नो वन, नन, एंड दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज. वन शुड परफॉर्म वन ड्यूटी ऑनेस्टली. ये मॉडल्स में हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स वी गो थ्रू दिस सेंटेंस. एनी बडी कैन गेट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, नो वन कैन बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ, एंड everyone felt very happy after the function, everybody was shouting. So in this way we can form sentences. Demonstrative pronouns jo demonstrate karti hain, this, that, these, those. This ka jo singular aayega wo hai this, aur plural these hai, usi tarah se that ka those hai. Fine, this or these jo hai wo nearness ko indicate karta hai, that or those jo hai wo distance ko. Jaise this is a modern building, that building is quite old. These are useful books than those I purchased last year, or this is a much broader road than as compared to that in our village. Thank you everyone for paying your giving me your time, as today we have completed
अ पार्ट ऑफ योर आर फर्स्ट यूनिट विच डेल्ट विद नाउन एंड प्रोनाउन इन डिटेल. गुड डे.